हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं वो अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है और जिसमें क्षमता है कि आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकता है, तो उस वीडियो के रिलेटेड बातें करेंगे। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार, जो आपका खुद का चैनल है, उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक करें जो आप अभी देख रहे हो। और एक वीडियो मैंने पहले डाली है जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की न्यूज़ आई है, उससे रिलेटेड वीडियो है, तो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। एंजल ब्रोकिंग के साथ नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है, सेबी रजिस्टर्ड है, जीरो डिलीवरी चार्जेस है, बहुत अच्छा कस्टमर सर्विस एज वेल एज बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, तो सबसे पहले दिखाता हूँ। आज के दिन में लगभग 33% पर डिलीवरीज उठाई गई है, 2,33,316 शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। 52 वीक लो की बात करें तो 26 मार्च को 145 पे आया था, उससे पहले जैन में ही, ये 23 जैन को लगभग एक महीने, एक साल पहले 579 रुपीज़ पे शेयर चल रहा था, और अभी का प्राइस देखें तो 372 पे ये स्टैंड किया हुआ है। आज लगभग 3-4% की इसमें जंप देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं, कंपनी के पास लगभग 32.65% की होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास है, और पब्लिक के पास आपको बताऊं 67% की होल्डिंग नहीं है, मुश्किल से पब्लिक के पास 4 और 5% की होल्डिंग है। बाकी जो ये पब्लिक दिखा रखा है इसमें सारे के सारे आपको DIS, FIS, ओके, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स दिखाई देंगे। और आपको यहाँ पर देख सकते हैं 9-9, 6-6 रुपये का यहाँ पर डिविडेंड आपको कंपनी देती आई है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। ये तो हो गया इस कंपनी से रिलेटेड बातें। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की भी बात करें तो देखें यहाँ पर जून से सितंबर में जंप ही दिखाई देगी दी गई है प्रॉफिट में। तो ये तो हो गई इस बार जिस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, 372 पे शेयर चल रहा है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ओके, वॉलीटिलिटी आपको दिखाई देगी, सेम कंसोलिडेशन फेज पे चल रहा है। 1 मंथ में आप देख सकते हैं 335 का था, 372 पे चल रहा है। 6 मंथ में देख सकते हैं 200 पर ये शेयर था, लगभग 372 पे चल रहा है। ईयर टिल डेट में भी यहाँ पर देख सकते हैं, 1 ईयर में देखिए यहाँ पर, यह एक साल पहले लगभग 600 रुपये के आसपास ये शेयर था, गिरा 150 तक आया, ओके, आपके पैसे को उसके बाद डबल कर दिया। और अभी भी कितना, तो अगर हम बात करें, अगर हम अभी भी बात करें तो ये शेयर लगभग 32-33% कम है। बट अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2016 में ही कंपनी आई है, और लगभग 1700 रुपये के आसपास ये शेयर का ऑल टाइम हाई, 1650 रुपये के आसपास है ऑल टाइम हाई। और उसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 77% अभी भी डाउन है, और आपको यही रेशो आपको मिल सकता है, यही रिटर्न्स आपको मिल भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी काम कर रही है, जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, आपको इस तरीके के रिटर्न्स शायद मिल सकते हैं आने वाले 1 और 2 साल में। तो इसका वेट एंड वॉच करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपनी का नाम क्या है, तो PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। अब ये मैं सोचना PNB है तो मतलब PNB बैंक की तरह ही ख़राब होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। और आपको बताना चाहता हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी तो है ही है, और जिस तरीके से आजकल चल रहा है ना, जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट लगी हुई है लोगों को घर बसाने में, एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर में, और जिस तरीके से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज रियलिटी में भाव बढ़ रहे हैं, तो आपको बता सकता रहूँ कि ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में जो इसका लेवल है 1700-1650 रुपये का, 1-2 साल में टच होता हुआ नजर आएगा, ओके, एज वेल एज आप ये मत सोचना PNB की होल्डिंग है, इस मोस्टली शेयर, ओके, 30% से भी ज़्यादा के शेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने ले रखे है। तो आपको अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो देखिए PNB हाउसिंग फाइनेंस मार्केट कैप 6,000 का ही है, स्मॉल कैप कंपनी है, वॉलीटिलिटी दिखाई देगी जो आप देख सकते हैं। करंट प्राइस 3,758 का चल रहा है, 372 का आज के हिसाब से जो अपडेट नहीं हुआ है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 506 रुपये का बुक वैल्यू है, तो अपने बुक वैल्यू से भी ये नीचे चल रहा है। PE केवल 10 के PE पे मिल रहा है, तो ऐसी कंपनी को आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर हम बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो देखिए PS कंपनी तो आपको पता ही है, बहुत सारी कंपनीज है, बट फिर भी क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो रिवेन्यू आप देख सकते हैं, रिवेन्यू 2017 से कंटिन्यूस, देखिए PNB बैंक गिर रहा होगा बट रिवेन्यू यहाँ पर देखेंगे ना आप इसके, तो रिवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते हुए नजर आएंगे, 1416 करोड़ रुपये के
रिवेन्यू अभी अगर हम देखें सितंबर में, तो सितंबर में कितने 2,000 रुपये के रिवेन्यू अभी हमें नज़र आते आ रहे हैं। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में यहाँ पर गिरावट नज़र आई थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। ओके जून में भी गिरावट, बट दोबारा अपनी उसी पीक पे ये लौटता हुआ आ रहा है, और आने वाले टाइम में ये सब जो ये बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा था ये बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम की, तो देखिए इंटरेस्ट इनकम 1340 करोड़ रुपये की तो इंटरेस्ट इनकम है जो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी देखिए मार्च में यहाँ पर जरूर नेगेटिव में था, उसके बाद देखिए यहाँ पर अभी भी सेप्टेम्बर में देखेंगे 313 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ईयरली बेस की, तो ईयरली बेस पर भी देखिए रिवेन्यू यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। एज वेल एज अगर हम बात करें पिछले 12 महीने की, तो देखिए लगभग 8,000 ही कह सकते हैं, मार्च से थोड़ा कम है, बट आपको पता ही है क्या रीज़न है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा आने वाले क्वार्टर्स में। और अगर हम बात करें यहाँ पर नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर बेसिस, वो भी देखिए यहाँ पर जम था, बट यहाँ पर सेम वही प्रॉब्लम और वही इशू कोविड की वजह से, बट जिस तरीके से कंपनी आपको रिजल्ट्स देती आई है, ओके और ये जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी हिस्सेदारी क्वार्टर्स में बढ़ाई है, तो आपको ये यहाँ पर ना आपको अच्छा खासा रिटर्न ही मिलता हुआ आगे नज़र आएगा। तो इसके लिए इस कंपनी पे भरोसा करके आप देख सकते हैं। आज की डेट में भी अगर मैं बात करें ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज की डेट में भी कंपनी लगभग 4% भागी है। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है। 6,401 करोड़ रुपये का रिजर्व था कब 2018 में, और 2020 में 8,341 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग की बात की जाए, तो बोरिंग यहाँ देखिए कम होती हुई नज़र आई है। एज वेल एज अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो कंपनी ने 2,080 करोड़ रुपये का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट भी कंपनी के पास लगभग 7,472 करोड़ रुपये का एक यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट है। एसेट भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और यहाँ पर कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करें, जो 2018-19 में नेगेटिव था, 2020 में देखिए पॉजिटिव है। ओके एज वेल एज अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी तरफ जरूर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो लगभग 32.65% है। प्रोमोटर्स कौन है? PNB पंजाब नेशनल बैंक की इसके प्रमोटर्स हैं। ओके जिसके पास पूरा का पूरा 32.65% की होल्डिंग है। एज वेल एज बात करें बाकी के होल्डिंग की, तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 24.55% की हिस्सेदारी है, जो कि इन लोगों ने ली हुई है। इसके अलावा बात करें DIS की, तो DIS ने अपनी हिस्सेदारी कम जरूर करी है, बट ये जो हिस्सेदारी कम हुई है ना, ये सारी की सारी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने उठाई है। कौन से नहीं, यहाँ पर देख लीजिए पब्लिक में लगभग यहाँ पर देखिए सितंबर में ही यहाँ पर 32.22% की हिस्सेदारी यहाँ पर किसकी है? क्वालिटी इन्वेस्ट होल्डिंग की। यहाँ पर डेटा अपडेट नहीं हुआ है, ओके शायद कुछ एरर हो जाएगा, क्योंकि एक साथ इतनी सारी हिस्सेदारी तो नहीं बेचेगा। ओके तो अगर बात करें तो यहाँ पर देखें न्यूज़ देख सकते हैं, 7 आवर्स पहले की ही न्यूज़ है, ओके 7 घंटे पहले की। तो क्या है, कार्लील ग्रुप हेल्ड 32.22% इन PNB हाउसिंग एज ऑफ सेप्टेम्बर थ्रू अ ग्रुप कंपनी कॉल्ड क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। ओके तो मैंने क्या कहा है, ये देखिए क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, जो कि फॉरेन की कंपनी है, जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इसने ही हिस्सेदारी ले रखी है 32.22% की, किसमें? PNB हाउसिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें ना 32+ में यहाँ पर देख लिए फॉरेन इन्वेस्टर 24, तो लगभग 56% की तो हिस्सेदारी यहीं पर ही हो गई। ओके बाकी डोमेस्टिक के पास है, और फिर पंजाब नेशनल बैंक के पास है, तो पब्लिक के पास बिल्कुल ही थोड़ी है। अगर बात की जाए बिल्कुल 5 और 6% की हिस्सेदारी ही पब्लिक के पास है, और बाकी सारी हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। और बुक वैल्यू से भी नीचे ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, कितना? 506 रुपये पे का बुक वैल्यू है, जो कि 372 पे शेयर चल रहा है। तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज हाउसिंग कंपनी में आज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में बहुत अच्छा बढ़ोतरी हमें देखी गई है, अब और जिस तरीके से अभी बजट भी आ रहा है, तो ये कंपनी को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। और ये शेयर जो आपका ये लेवल है, ओके 3,16 रुपये के लगभग का, इसे आपको ब्रेक करता हुआ नज़र आएगा, और आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स जो कि 76 से 80% के है वो आपको नज़र आएंगे। और शॉर्ट टर्म की भी अगर बात कर ले, तो मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ या विद इन 2 मंथ ओके आपको ये रिटर्न्स मिलते हुए जो 32-34% के ये तो मिलते हुए नज़र आएंगे। तो इसे ये मत सोचना, PNB से बिल्कुल कंपेयर मत करना। PNB और इसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है, ये अलग ही कंपनी है।
तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न देने की पूरी काबिलियत रखती है। तो इसकी तरफ आप नज़रें बना के रखिए, कोई पोजीशन आप लेना मत मेरे कहने पर। कोई भी पोजीशन लेनी है तो ऑब्वियसली अपनी खुद की स्टडी एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा। एज वेल एज वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और हमारे इस चैनल जो आपका चैनल है बॉस ओपिनियन शेयर बाजार, इसे सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं आपके पास लाता रहूं और आप उस वीडियो से आप भी सीख पाए और आपसे कुछ मैं सीख पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।